अब ओला का खेल बताऊंगा आज मैं आपके लिए कि ओला क्या सीन करता है कस्टमर के साथ और क्या करता है ड्राइवर के साथ में, है ना। पहले हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, मैं निकल रहा हूँ दिल्ली से बाहर क्योंकि अपने पास आ गई है ओला में आउट ऑफ स्टेशन की ड्यूटी। मैं खड़ा था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो सुबह सुबह 4 बजे ड्यूटी बजी अपने पास आउट ऑफ स्टेशन आगरा की। राउंड ट्रिप है, जा रहे हैं आगरा और आज का पिकअप हमारा है ब्लोम होटल से। सामने ब्लोम होटल है और ये है ललित होटल के पास में। ये ललित होटल है ना बड़ा वाला, सिपी कनॉट प्लेस के पास में, तो यहीं से पिकअप है हमारा। मैं पहुँच गया पिकअप लोकेशन पर, 6 बजे का पिकअप था। ड्यूटी 2 घंटे पहले ही आ गई थी क्योंकि शेड्यूल की ड्यूटी थी ना, तो काफ़ी मजे आने वाले हैं आगरा में। हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, सब कुछ बताएंगे आज के ब्लॉग में, है ना। फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, बाकी कहीं अच्छी सी जगह पर करेंगे ब्रेकफास्ट और राइडर को घुमाएंगे अच्छे से, और राइडर कौन है, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। ब्लॉग लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं ब्लोम होटल से। तो गाइस पहले तो फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, बना लो को टूर प्लान हमारे साथ, बन बे राउंड ट्रिप कर दो टूर प्लान व्हाट्सएप में इस नंबर पे। हम आपको कोटेशन देंगे, कोई भी गाड़ी हायर करो हमसे, आर्टिका इनोवा वैगनर डिजायर एकदम रीजनेबल रेट पे। तो पहले आप ब्लॉग देखो, मिलते हैं लास्ट। सो गाइस अभी मैं राइडर के होटल के बाहर ही खड़ा हूँ, अभी तक तो हमारे राइडर का कॉल आया नहीं है। बस 10 मिनट बोला था कि 10 मिनट में आ जाएंगे, चलो कोई नहीं इधर ही वेट करते हैं। लेकिन हाँ, ओला की ड्यूटी का डर लगा रहता है दिमाग में कि ऐसा ना हो एंड टाइम पे कैंसिल हो जाए। जब तक हमारे गाड़ी में कस्टमर नहीं बैठे तब तक टेंशन ही रहती है, किस समय कैंसिल हो जाए किस समय क्या हो जाए पता नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी होटल के बाहर ही वेट कर रहे हैं, आ जाएंगे करेंगे पिकअप फिर यहाँ से निकलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच के। अभी हम पहुंच गए जेवर, जेवर टोल पे पहुंच गए। हम रुके सेवा ढाबा पे, सेवा ढाबा पे करेंगे छोटा मोटा ब्रेकफास्ट, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, 10 से 15 मिनट ही रुकेंगे इसका, सीधे निकल जाएंगे। सर ने बोला 10-15 मिनट में ही आप ब्रेकफास्ट कर लो, बाकी हम भी कुछ खा पी लेते हैं, तो इधर ही रुके हैं, बाकी भीड़ अच्छी वाली हो रही है ना। चलो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट फिर यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं अगला स्टॉप कहाँ रहेगा। बीच में सेवा ढाबा पे रुक सकते हैं, नहीं तो फिर आगरा पहुँच के मिलेंगे, है ना। चलो पहले करते हैं ब्रेकफास्ट फिर। सुबह 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 का टाइम है, 7:20 हो रहा है, तो खाने पीने का मन है नहीं, तो मैंने करे हैं ऑर्डर पकौड़े, मिक्स पकौड़े आई हैं, चाय आया है, बस चटनी साथ में, है ना। तो पकौड़े के साथ में करेंगे आज का ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह सुबह पराठा वराठा तो खाना नहीं कुछ है भी, है ना, तो पकौड़ा ही खाने का सोचा, तो बस ऑर्डर कर दिया। चलो कर लेते हैं फिनिश और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस हमने ले लिया दूसरा स्टॉप लिया सिवा ढाबा मामा यादव के, यहाँ पे देखो वही रुद्र सिवा पे रुके हैं। यहाँ पे सर करेंगे ब्रेकफास्ट, वहाँ पे केवल चाय पिया था, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं खाऊंगा पीऊँगा, क्योंकि मैंने पकौड़े और चाय तो वहीं पे खा पी लिया था ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं खाएंगे, बस मैं इधर ही गाड़ी में रेस्ट करूँगा, सर खा के आ जाएंगे फिर निकल जाएंगे ना। और यहाँ पे भी हम 10-15 मिनट ही रुकने वाले हैं, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि फटाफट हमें आगरा पहुँचना है, क्योंकि सैटरडे का दिन है ना, ज़्यादा लेट जाएंगे तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 10-15 मिनट में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे सर ने बोला, फिर यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे। तो मैंने कुछ नहीं खाना पीना, बहुत करेगा मन करेगा ना तो चाय पी के आ जाऊँगा ना, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत ही मस्त है। चलो चाय पी लेंगे कुछ नहीं, चलो ठीक है ना, बाकी राइडर हमारे चले जाएंगे, गाड़ी हमने वो वहाँ खड़ी कर दी है, चलो पी लेते हैं चाय। तो गाइस अभी हम पहुंच गए आगरा, आगरा ताजमहल के पास पहुंच गए, सामने ही ताजमहल का पार्किंग है, गाड़ी मैंने यहाँ पे लगा ली। अभी सर हमारे चले जाएंगे उतर के, मैं जाऊँगा यहाँ से सीधे सीएनजी पंप पे, सीएनजी पड़वा के फिर आ जाऊँगा पार्किंग में, है ना। तो सर जब सर ने बोला ना हम 2 घंटे के अंदर घूम के आ जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे ज़्यादा लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, सर का मीटिंग है ना दोपहर में दिल्ली गुड़गांव ड्रॉप करना है, तो बोले फटाफट आ जाएंगे हम, है ना। तो जब तक मैं अभी सीएनजी पड़वा लेता हूँ, सर आ जाएंगे फिर लेके सीधे गुड़गांव निकल जाएंगे, और इधर ही मैं कुछ अपना लंच वंच कर लूँगा जब तक। अभी 10 बज रहे हैं, 12 बजे तक आ जाएंगे, 12:30 बजे तक। चलो कोई नहीं पढ़वा लेते हैं सीएनजी। सो गाइस राइडर के हमारे कॉल आ गया है, वो ताजमहल देख के आ गए मुझे लग रहा है, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है ताजमहल के आसपास में, तो कॉल आ गया, इसका मतलब आ गए होंगे। मैंने बोल दिया आप आ जाओ मुझे कॉल कर देना, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ, कर लेता हूँ पिकअप और फिर निकलते हैं सीधे यहाँ से गुड़गांव। रास्ते में कहीं ना कहीं रुक सकते हैं, देखते हैं कहीं रुकेंगे तो अपडेट करेंगे, नहीं फिर गुड़गांव पहुंच के मिलेंगे। आगरा ताजमहल देख के सर आ गए थे, वहाँ से पिकअप करके निकल गया हम, फिर पहुँच गए सिवा ढाबा पे, तो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे यहाँ पे, केवल 5-7 मिनट या 10 मिनट रुक सकते हैं बस। तो यहाँ पे देखो गाड़ी वहाँ खड़ी करनी पड़ी है, क्योंकि इधर ना पूरा फुल है आज,
फुल है आज, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है ना, इस वजह से भीड़ तो लगेगी ना। मथुरा वृंदावन फुल ट्रैफिक रहेगा आज, है ना। चलो भाई मैं भी थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह होके आता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। खाएंगे पियेंगे कुछ नहीं, 10 मिनट रुकेंगे मैक्सिमम बस। तो भाई सैटरडे का दिन है और हमारे सभी ड्राइवर पार्टनर यहाँ पे खाना खा रहे हैं सब बढ़िया से, और मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने ना टाइम नहीं है इतना। राइडर ने बोला 5 मिनट रुके हैं, तो बस चाय ले ली मैंने। बाकी भैया हमारे बैठे हुए, हेलो कैसे हो, बढ़िया बढ़िया चल रहा है आज ना, एकदम फुल है बाहर से। चलो कोई नहीं, चाय फिनिश करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम पहुंच गए गुड़गांव, गुड़गांव पहुंच गए हैं। राइडर को ड्रॉप कर दिया सामने वाले होटल में इसमें, और मैं खड़ा हूँ 5556 मेट्रो के पास। ये 5556 मेट्रो स्टेशन है, यहीं पे गाड़ी मैंने लगा ली है। अब ओला का खेल बताऊंगा आज मैं आपके लिए कि ओला क्या सीन करता है कस्टमर के साथ और क्या करता है ड्राइवर के साथ में, है ना। पहले तो मेरी गाड़ी में CNG नहीं है, CNG बढ़वा लेता हूँ। कुछ खाया पिया नहीं था, भूख लग रही है, मैं अभी कुछ खा लेता हूँ, फिर आराम से समझाऊंगा आपके लिए। वीडियो लास्ट तक देखना, आज सारा कुछ क्लियर करूंगा बढ़िया से, है ना। चलो पहले CNG बढ़वाते हैं, फिर कुछ खाते हैं, और फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ओला के बारे में। बस मैं चला गया था CNG पंप पे, CNG पड़वाई, खाना खाया और आ गया मैं कन्हाई गांव। सेक्टर 44 की तरफ आ गया था मैं, इधर ही खड़ा हूँ अभी तक। टाइम हो गया 9:40, अभी गुड़गांव में ही खड़ा हूँ। कोई ड्यूटी ना लोकल बजी ना आउट बजी, 100-150, 200 रुपए की बज रही थी जो मैंने उठाई नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको आगरा गया था, कितना पैसा मुझे दिखाया था, कितना मुझे दिया है ओला ने, सब कुछ बताता हूँ। पहले करता हूँ अपने दूसरे फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, इधर ध्यान लगाइए, अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में, ध्यान देना थोड़ा सा ना। तो सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं ऑन, और ये देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। ये ड्यूटी आई थी सुबह मेरे पास 4:38 पे, मैं खड़ा था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, उधर ही ड्यूटी आई थी सुबह 6 बजे का पिकअप था, मतलब 1.5 घंटे पहले ड्यूटी आ गई थी मेरे पास। तो उसमें दिखा रहा था 406 किलोमीटर गाड़ी चलनी है, 10 घंटे की राउंड ट्रिप है, और पैसे दिखा रहा था 8,270 रुपये, वही 69, समझ गए ना। तो ये इस पर ध्यान देना कि 10 घंटे की राउंड ट्रिप 406 किलोमीटर और 8,270 रुपये, इस चीज़ पे ध्यान देखना। अब मुझे वहाँ पे मैं कस्टमर को पिकअप किया, कस्टमर को घुमा के लाया बढ़िया से, कस्टमर बढ़िया थे, 2 लड़की थी और 1 सर थे मुंबई के थे, तो उन्होंने ओला बुक करी थी, अच्छे से घुमा के लाके गुड़गांव में लाके ड्रॉप कर दिया। जब ड्रॉप करा तो बिल कितना आया अब मैं बताता हूँ आपको, ये वाला देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट, इसमें मेरा बिल आया है जो वो आया है 8,067 रुपये का, 8,067 का बिल है ना यहाँ पे, ये देखो ये 8,067 का बिल है। अब इसमें गाड़ी चली है 442 किलोमीटर, टाइम लगा है 10:38 का। अब क्या क्या बढ़ा समझे आप, सबसे पहले 406 किलोमीटर दिखा रहा था, यहाँ पे 442 चली है, तो 36 किलोमीटर बढ़ गया और 38 मिनट बढ़ गए, ठीक है। और बिल हमारा कम हो गया, मतलब बढ़ना चाहिए था और कम कर दिया इसने, 8,270 रुपये का बिल पहले ही दिखा रहा था 406 किलोमीटर पे 10 घंटे पे, यहाँ पे 36 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली और 38 मिनट भी ज़्यादा लगे, और बिल हमारा 200 रुपये और कम हो गया, समझे। ओला ने क्या करा मुझे नहीं पता, ना पैसा मुझे बढ़ के मिला ना कुछ। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी चली है 442 किलोमीटर, टाइम लगा है 10:38 का, और जो मुझे 6,624 रुपये मिले हैं, और 8,070 रुपये का बिल आया है, ये देखो इसने क्या करा है, समझ गए। अब जो ओला कस्टमर बुक करते हैं तो उन्हें क्या दिखाता है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ओला दिखाता है, मैंने इसमें बुक करके एक स्क्रीनशॉट लिया है, कल की गाड़ी बुक करी थी, मतलब मैंने शेड्यूल में लगाई थी, तो 6 बजे का पिकअप डाला था जो हमारी इस ड्यूटी का था, 4 बजे का हमने ड्रॉप दिखा दिया, ठीक है। इसमें इन्हें किलोमीटर लिए हैं, उठाए हमने दिल्ली ललित होटल से, मैंने डाला है ललित होटल और आगरा का राउंड ट्रिप डाला है, तो इसमें 418 किलोमीटर दिखाएं, देखो यहाँ पे 418 किलोमीटर है, 418 किलोमीटर में दिखा रहा है 8,544 रुपये, ये 100-200 ऊपर नीचे होता रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। तो 418 किलोमीटर का ये बिल दिखा रहा है 8,500 रुपये का, ठीक है। और नीचे ये अलग से एक मेंशन करके दे रहे हैं कि जो भी एक्स्ट्रा किलोमीटर होंगे, मतलब 418 किलोमीटर से एक्स्ट्रा जो भी होंगे, यहाँ पे 418 है, 418 से जो भी एक्स्ट्रा होंगे वो इसमें 15 रुपये 2 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे, ये जो कि हमारा 36 किलोमीटर का बढ़ना चाहिए था, ओला ने नहीं बढ़ाया, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाया, समझ गए ना आप। और इसमें टोल टैक्स स्टेट टैक्स जो कुछ सब कुछ ये एक्सक्लूडेड है, मतलब अलग से लेना है कस्टमर से, ये मतलब कस्टमर को अलग से देना है, ये तो कस्टमर का स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो कस्टमर को पता था हाँ उन्होंने अलग से मुझे दे दिया था, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 36 किलोमीटर का 15 रुपये बढ़ना चाहिए था 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से, वो बिल बढ़ा नहीं और 200 रुपये कम कर दिया इसने, क्यों करा पता नहीं। टाइम भी बढ़ गया 38 मिनट का, इसमें टाइम का तो नहीं दिखा रहे हैं कि टाइम का कितना पैसा बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता टाइम का बढ़े ना बढ़े, लेकिन किलोमीटर का तो पैसा बढ़ना चाहिए ना, 36 किलोमीटर का 15 रुपये 2 किलोमीटर के हिसाब से 2 पैसे के हिसाब से कितना हो गया लगा लो, कैलकुलेट कर लो। तो इसने आज मेरे साथ ये गेम खेला,
ओला तो मैं बहुत दिन बाद चला रहा हूँ, आपको पता ही है, दो तीन ड्यूटी करी है, मैं तीन चार दिन से ही चला रहा हूँ। वैसे तो ओला मैं चला ही नहीं बहुत समय से, लेकिन चलाई तो ये हो गया। आज मैंने पूरा ध्यान लगाया कि कितना देता है, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ओला उबर से आउट स्टेशन का काम करते हैं, है ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना बिल्कुल भी, है ना। कस्टमर अगर आपको बिल पूरा नहीं मिल रहा है तो कंप्लेंट करो, और कंप्लेंट ना करो तो कस्टमर को बताओ सर हमें इतना इतना पैसा कम मिल रहा है और आपका ये चार्ज गलत है। क्योंकि ओला कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से पैसा बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है कस्टमर का, कभी कभी कम निकाल देता है, तो ये पता नहीं इसका क्या टेक्निकल इशू है। तो यहाँ पे मुझे समझ गए ना आप, 406 किलोमीटर का 8200 दिखाया था और 446 किलोमीटर का मेरे को बिल निकाला इसने 8067 रुपए का। ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, ओला का खेल है ये, कभी बिल बहुत ज़्यादा निकाल देता है कस्टमर का नुकसान हो जाता है, कभी हमारा लॉस हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, इस वाले को करते हैं यहीं पे ख़त्म, ड्यूटी अब बजी नहीं है, देखते हैं अगली ड्यूटी कहाँ की आएगी और कहाँ जाएंगे। तो इस वाले ब्लॉग को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि एडिट भी करना है मुझे, 10:45 हो चुके हैं। तो अब इस वाले ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ओला की ही इन्फॉर्मेशन देनी थी बस। ओला में थोड़े दिन ही काम कर रहा हूँ, बस 2-4 दिन मेरे और कट जाए, फरवरी मेरे पास बहुत काम है। फरवरी मैं तो निकलने वाला हूँ दिल्ली के बाहर, दिल्ली के बाहर निकल जाऊँगा, लौटूंगा ही नहीं दिल्ली में, समझ जाओ। वो सब पता लगेगा आपको हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पे। अगर हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पे सर्च करो VCS ब्लॉग, तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। उस पर हम जो भी कस्टमर को घुमाने ले जाएंगे वो सब वीडियो हम उस पर डालेंगे, इस पर खाली ओला उबर मोटिवेशनल वीडियो डालेंगे, बाकी इस पर भी वीडियो आती रहेंगी, लेकिन उसको भी सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। तो ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ में। तो इस वाले ब्लॉग को करते हैं एंड, लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की के ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सो गाइस देख लिए ब्लॉग, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर एक प्यार से कमेंट करें। अगर आपका भी टूर बन रहा है आगरा मथुरा वृंदावन गोकुल गोवर्धन बरसाना हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून मसूरी शिमला मनाली नैनीताल जयपुर जोधपुर पुष्कर अजमेर खाटू श्याम सालासर मेहंदीपुर बालाजी केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री कहीं भी घूमना चाहते हैं तो लगा दो हमारा नंबर या फिर कर दो अपना टूर प्लान व्हाट्सएप। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।